नेपाल लाया है और नेपाल के इश्यू में ये जो नेपाल की इश्यू जो है हम एनुबल ये जो एनुबल से फेडरेशन है ये संगठन है अमन शांति के लिए पूरे विश्व में अमन शांति फैलाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट जो रहते हैं या कॉन्फ्लिक्ट होता है या आते हैं उसका भी समाधान हो अमन शांति के जरिए नेगोशिएशन के जरिए डायलॉग के जरिए और हमेशा ट्रैक टू डिप्लोमेसी में पसंद करते हैं तो इसलिए जो नेपाल का जो इशू है वो एक राष्ट्र का अपना मामला है मेरे ख्याल से यूनिवर्सल पीस फेडरेशन उसमें इंटरफेयर नहीं करते ना ही उस पर कुछ कहने के लिए है। रही दूसरा सवाल आपके यूनिवर्सल पीस फेडरेशन का जो लक्ष्य और उद्देश्य है जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा रिलेटेड टू पीस शांति से जो संबंधित जो रास्ते है पथ है उसी पर जुड़े हुए हैं और आज की तारीख में मैं पहले भी बोल चुका हूँ यूनिवर्सल पीस फेडरेशन का जो पीस इनिशिएटिव है हर एक वर्ग को लेकर के हर एक देशों को लेकर के हर एक प्रांतों को लेकर के ये जो है एक इनिशिएटिव है ये अपने आप में बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है और हमेशा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो हम प्रयास रही है पूरे विश्व को एकीकृत करने के लिए वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है उस नीति को आगे रख करके आज भारत G20 के नेतृत्व दे रहे हैं आज भारत विश्व भर में अमन शांति का नेतृत्व दे रहे हैं और यही कारण है कि जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे विश्व में आज स्वीकृति मिल रही है पूरे विश्व में उनको बड़े बड़े अवार्ड से पुरस्कृत कर रहे हैं नेपाल में भी ये साउथ कोरिया में भी साउथ कोरिया का सबसे बड़ा शांति का जो अवार्ड है वो नरेंद्र मोदी जी को जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिए हुए हैं और उनका जो